और चलिए बात स्पाइस जेट की, जिसको सर्किट चुबाने का बीड़ा उसके पूर्व निदेशक अजय सिंह ने उठाया है। अजय सिंह ने न सिर्फ कंपनी के लिए प्रमोटर्स ढूंढने का काम करने की बात कही है, बल्कि ये भी कहा है कि वो जल्द ही स्पाइस जेट को इस संकट से निकाल बाहर करेंगे। 2000 करोड़ की झटके से स्पाइस जेट को उभारने के लिए उसके पूर्व निदेशक अजय सिंह सबके सामने आए। अब खबर ये है कि उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि वो स्पाइस जेट के लिए प्रमोटर्स को ला सके और उसकी हालत में कुछ सुधार कर सके। आखिर कौन है अजय सिंह? स्पाइस जेट के पूर्व निदेशक 2004 में स्पाइस जेट के साथ जुड़े, 2010 में स्पाइस जेट से अलग हुए। एक प्रतिष्ठित व्यवसायी, अपने काम के मामले में मास्टरमाइंड, बीजेपी के साथ एक लंबा जुड़ाव, पार्टी के कई चुनावी कैंपेन को भी संभाला, प्रमोद महाजन के बेहद करीबी। ये बात बिल्कुल तय मानी जा रही है कि अजय सिंह दोबारा स्पाइस जेट के लिए बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इतना ही नहीं, वो अपने स्तर पर इस बात की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रमोटर्स स्पाइस जेट को आकर संभालें। और अगर ऐसा होता है तो ये एयरलाइंस की सेहत के लिए एक अच्छी खबर है। अगर अजय सिंह उसमें इंटरेस्ट लेते हैं तो स्पाइस जेट के लिए एक अच्छी बात होगी, और अजय सिंह के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरह से इन्वेस्टमेंट उसमें ऑर्गेनाइज कर पाते हैं। जबकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि उनका काम करने का तरीका बहुत अलग है। जो अजय सिंह हैं, जब तक ये स्पाइस जेट को चला रहे थे तो बड़े प्रोफेशनल तरीके से चला रहे थे, और ये बहुत ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर रहे थे और बिल्कुल लिमिटेड लेवल से कर रहे थे और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कर रहे थे। खबर है कि इन्वेस्टर्स आगे भी आ रहे हैं जिनकी बात स्पाइस जेट के साथ चल रही है। एयरलाइंस अपना रिवाइवल प्लान सोमवार को मंत्रालय और DGCA के सामने रखने वाली है, जिसके बाद कुछ तस्वीरें तो जरूर साफ हो जाएंगी। तो वही इस खबर के बाद स्पाइस जेट के शेयर्स में भी कुछ सुधार आया है। कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा होता है, पर यहाँ स्पाइस जेट को अजय सिंह का कितना सहारा मिलेगा उसके लिए थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा। पर ऑफ द रिकॉर्ड अजय सिंह ने कहा है कि मैं स्पाइस जेट को डूबने नहीं दूंगा, पर मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। दिल्ली से प्रांजलि सिंह की रिपोर्ट, फोकस।